ईएमएफ फोर्सेस ई1 एंड ई2। एक और इस तरह का क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें दोनों बैटरीज का ईएमएफ सेम है। सेम क्वेश्चन है, उसमें दोनों बैटरीज का ईएमएफ सेम है। यहां पर इस क्वेश्चन में दोनों बैटरीज का ईएमएफ अलग अलग है, एक ई1 है और एक ई2 है। टू सेल्स विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई1 एंड ई2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर1 एंड आर2 आर कनेक्टेड एज शोन। सबसे पहले किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करो। देखो ये एक सेल लगा और इसके पॉजिटिव से चलना अगर मैं शुरू करूं, मैं लिखूं यहां पर करंट, वही करंट यहां पर होगा, सेम लूप है, वही करंट यहां होगा। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को फेस कर रहा है। किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या बताया था कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव को फेस करेगा तो आप कहेंगे E1 प्लस E2 होगा। यस और नो? यस। फॉर्मूला है सेकंड लॉ का, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ पीडी। सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ पीडी का मतलब यहां से जो करंट गया वो यहां पर भी है, यहां पर भी वही करंट है और यहां पर भी वही करंट है। ये मैंने लिखा ईएमएफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ पीडी का मतलब आई आर आर प्लस आई आर वन इसका प्लस आई आर टू इसका, आई आर टू प्लस आई आर वन। वोल्टेज के लिए याद रखना, हर जगह किरचॉफ सेकंड लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम आई आर या आई स्मॉल आर यूज करेंगे, वी नहीं लिखेंगे, आई आर यूज करेंगे लॉस वोल्टेज के लिए। ये लॉस वोल्टेज कहलाते हैं। इसका मतलब ये E1 प्लस E2 इज इक्वल टू आई, इसको ऐसे लिखा है। चलो अगला पॉइंट सुने आप। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करना। सपोज करो मैं तुमसे कह रहा हूं यहां पर बैटरी 6 वोल्ट है, सही है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं यहां पर बैटरी 1 वोल्ट है तो इसका मतलब ये 6 वोल्ट बैटरी किसकी है? ईएमएफ बैटरी की, इसको कहते हैं इनपुट। ये 1 वोल्ट क्या है? आईआर, आईआर 1 वोल्ट है, इसका मतलब ये आईआर 1 वोल्ट क्या कहलाता है? लॉस वोल्टेज। क्या कहलाता है? इंटरनल रेजिस्टर का वोल्टेज जो लॉस्ट हो गया। तो फिर थ्योरी में हमने ये पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस में कि यहां से जो पोटेंशियल जाएगा, वोल्टेज जाएगा, कितना होगा भाई? 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट इस सर्किट में यहां कंज्यूम हुआ, यहां कंज्यूम हुआ, यहां कंज्यूम हुआ और यहां तक जब पहुंचेगा तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा? 0। यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होकर 0 हो जाएगा, यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होकर 0 हो जाएगा, मगर इसके लॉस वोल्टेज तो अपनी जगह पर है 1 वोल्ट। अब मैं क्या ये लिख सकता हूं, जरा सुनना, यहां का वोल्टेज V इज इक्वल टू बैटरी का ईएमएफ E माइनस आईआर, इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं टर्मिनल पीडी, इसको कहते हैं ईएमएफ, ये पूरा कहलाता है लॉस्ट वोल्टेज। देखा मैं इसको कहां पर कनेक्ट करूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां से 5 वोल्ट जा रहा है तो वो 5 वोल्ट एक्चुअली इस बैटरी के वोल्टेज ईएमएफ माइनस इस आईआर के बराबर होगा। यस और नो? अब अगली बार देखें, यहां वो कह रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज 0, सेल 1, यानी कि ये सेल 1 है और वो तुमसे कह रहा है कि यहां पर सेल 1 का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। क्या मतलब है भाई? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब ये है कि जहां ये यहां से अगर V जा रहा है
तो वहां पहुंचते पहुंचते ये पूरा वी कंज्यूम हो गया। इसका मतलब अब मुझे ये बताओ, इस इक्वेशन में देखना, इस वी के लिए, ये इक्वेशन वन है रिमेंबर, इस वी के लिए मैं लिख सकता हूं वी इज इक्वल्स टू ये चीज, वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर वन, यहां का आई आर वन इवन, यहां का जाने वाला वोल्टेज, देखो यहां पर टर्मिनल वोल्टेज, ये जाने वाला वोल्टेज E माइनस इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर भी ये जाने वाला वोल्टेज इस E1 माइनस IR1 के बराबर होगा, लिख सकता हूं। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मैंने लिख दिया, अब इसके बाद देखना, ये जो मैंने लिखा है V, ये V क्या है तुम्हें बताया था, यहां का टर्मिनल वोल्टेज और यहां का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल वन, वो कितना कह रहा है, जीरो। इसका मतलब वो कह रहा है E माइनस आई आर वन खुद बराबर है किसके, जीरो, E वन माइनस